राम राम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही उम्दा शख्स से मिला रहा हूँ। आपका नाम है कौललाल गुर्जर जी और गांव खलीलपुरा। खलीलपुरा, इनकी खासियत यह है कि ये खुद तो दसवीं पास है, इनकी धर्मपत्नी जो है वो अनपढ़ है, इनका एक बेटा एमबीबीएस कर रहा है, एक बेटा कोटा से एमबीबीएस कर रहा है, एक बेटा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है सर, बेटी और एक बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, और ये सब गांव से हैं, गांव की भूमि से आते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताओ, पास आओ सर। आपने कैसे किया ये? सर मैं तो किसान वर्ग से हूँ, खेती करता हूँ जी, और बच्चे बच्चों को, छोटा भाई जयपुर फोर्टिज हॉस्पिटल में नौकरी करता है। क्या नौकरी करते हैं वो? ओटी में काम करता है सर। ओटी में काम, ऑपरेशन थिएटर में काम करता है, कंपाउंडर है जी। तो उसने बोला कि बच्चे बच्चों को मेरे पास रखो यहाँ जयपुर में, फिर हमने सब बच्चे बच्चों को जयपुर में रख दिया। तो सभी बच्चे बच्चों की ये सोच थी सर कि मतलब हम डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, सभी बच्चियों की भी यही सोच है, बच्चों की भी यही सोच थी। अच्छा भाई डॉक्टर बनोगे तो चलो तैयारी करो। फिर जो ही दसवीं पास होते सर, मैंने इलेवंथ में जो बच्चा बच्चे जाता है उसको मैं फाउंडेशन में डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया, इलेवंथ में डाल देता। हाँ बिल्कुल, आईआईटी वाले बच्चे को मैंने फाउंडेशन में डाल दिया इलेवंथ में जी, मैथ सब्जेक्ट दिला के जी, और बच्चे को मतलब बायो सब्जेक्ट दिला के भाई चलो नेट की तैयारी कर लेना जी। तो बच्चे का तो वो गए सर सिलेक्शन एमबीबीएस में, और भगवान किया तो बच्चे का भी इस बार हो जाएगा। बिल्कुल होगा। अब मुझे बताओ कि इसमें सब चीज में तो खर्चा लगता होगा ना? बिल्कुल, बहुत खर्चा लगता सर। तो आप तो किसान हो तो आपने खर्चा करा कैसे? लेकिन सर इतना खर्चा कम लगा बच्चे बच्चों का कि वो पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे, तो वहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने, जगदीश जी गुर्जर की स्कूल है अपने जयपुर में इंडिया गेट में जी। तो उन्होंने फीस नहीं ली एक रुपए मेरे से। अच्छा, और मैं कोचिंग में एडमिशन कराया ना, तो बच्चे का इलेवंथ ट्वेल्थ विद ट्वेल्थ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक साल के फिर उसने तैयारी की। तो मेरे तीनों साल के 33,33,33,99,000 रूपये लगे टोटल। हाँ टोटल में वो एमबीबीएस सेलेक्ट हो गए, मतलब लाख रुपए में आपने अपने बच्चे को वो डायरेक्शन दे दिया। बिल्कुल ठीक है। अब आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो एक एक लाख एक एक करोड़ के दहेज और अंकमाला देते हैं? सर उनको तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई ऐसा क्यों करते हो, पढ़ाई में लगाओ ना पैसा, पढ़ाई में लगाओ पैसा, जो पैसा तो ऐसे ही कमी नहीं रहेगी पैसों की। तो पढ़ लिख कर करे अगर बच्चा बच्चे अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो फिर बाद में उसके पास पैसों की क्या कमी रहेगी। तो मेरी सोच है भाई जितना भी पैसा लगाओ ना उतना पढ़ाई में पैसा लगाओ, और फालतू व्यर्थ खर्चा करने में कोई फायदा नहीं है। और सर मेरी तो इतनी सोच, अगर मेरी सोच है, अगर आम लोग सब चले जाएं तो मैं ये कहता हूं कि कोई पीछे नहीं रह सकता। हम चार भाई हैं सर, हम जैसे तैसे करके तो शामिल गाड़ी बुढ़ा रखी है, औरतें चारों उनको भी कोऑपरेट कर रखा, उनको कैसे चला रहे हैं वो भी हम जानते हैं। तो मैं सभी को यही राय देता हूं भाई, फैमिली को ज्वाइंट में रखो जी, और अच्छे तरीके से सब भाई खेती करो, बच्चे बच्चों को पढ़ाई में भेजो। बिल्कुल सही, और ऐसी जगह पढ़ाई करवाओ, कोई नहीं समझता तो मेरे से पूछो पढ़ाई कैसे होती है, मैं बताऊंगा आपको। आप अपना नंबर बताओ सबको। 99,95,20,61 ये नंबर है। जो भी व्यक्ति पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में और कैसे करना है इसके बारे में अगर हमारी बात नहीं समझ में आती है तो आप इनको फोन कर लें। टोंक जिले के ही हैं, पीपलू तहसील से अपने घर के आदमी हैं, अपने परिवार के हैं जी। अगर ये कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हो। बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना। और मैंने मुलाकात इसलिए कराई है, ये बच्चों के लिए तो है ही है, उन माँ बापों के लिए भी ये जरूरी है जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे को पैसे इसलिए इकट्ठे करने हैं कि मेरे को दहेज देने हैं या लेने हैं। खर्च पढ़ाई में अभी करोगे तो आपको ना तो पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी ना लेने की पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज तो आप जवान हो, 55-56 साल की उम्र के हो, जब आप 70 साल के हो जाओगे तो वो दहेज और वो सब काम नहीं आएगा, आपका बच्चा बच्ची जो अच्छी जगह नौकरी कर रहा है ना वही काम आएगा। ये बात आप समझिए। सोचा था आप सबसे मुलाकात करा दें। जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं पूरे भारत के गुजरों को, पूरे समाज को क्या कहना चाहते हैं? मैं पूरे समाज को सर ये कहना चाहता हूं कि एकजुटता से रहे, बुद्धि से चलें, फालतू पेशा इधर उधर व्यर्थ नहीं करें, लड़ाई झगड़े नहीं करें, और शिक्षा पे ध्यान दें, बच्चे बच्चों को जितना पढ़े उतना आगे से आगे पढ़ाने की कोशिश करें।
थैंक यू, बहुत बढ़िया, बाय बाय।